एक इंसान का दिन बहुत ही खराब गया था। रात को उसने ऊपर वाले से कंप्लेन करना शुरू किया। फरियाद करने के टोन में बोला, गुस्सा ना हो तो एक बात कहूँ प्रभु? प्रभु ने कहा, पूछना, जो पूछना है पूछ। इंसान बोला, आज मेरा पूरा दिन इतना खराब क्यों गया? आज सुबह लेट उठा, उसमें स्कूटर खराब, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। प्रभु बोले, अच्छा फिर? इंसान बोला, लेट हो गया तो टिफिन नहीं ले जा सका, ऑफिस की कैंटीन ये बंद थी, एक सैंडविच पर पूरा दिन निकालना पड़ा था। प्रभु सिर्फ हंसे और फिर पूछा, और क्या हुआ? बोला, एक काम का फोन आया था, तभी मेरा फोन भी बंद हो गया। आगे इतना थक गया था, सोचा घर जाके सो जाऊं, लेकिन घर पे पहुंचा तो लाइट ही ना थी। सारी की सारी तकलीफें मेरे ही हिस्से में क्यों थी प्रभु? प्रभु बोले, देखो मेरी बातें ध्यान से सुना, आज वाकई अच्छा दिन नहीं था तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे देवदूतों को भेजा था मैंने, सब अटका के रखा उन्होंने। स्कूटर से एक्सीडेंट होने की संभावना थी, इसलिए मैंने स्कूटर ही खराब कर दिया। कैंटीन का खाना खा के फूड पॉइजनिंग हो जाता। फोन पर जो इंसान था तुम्हें बड़े घोटाले में फंसाने वाला था, इसलिए उससे भी बचाया। घर पर शॉर्ट सर्किट की संभावना थी, तुम थक के सो जाते तुम्हें पता भी ना चलता, इससे मैंने लाइट सी कट कर दी थी। तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया था। इंसान रोते हुए बोला, प्रभु शुक्रिया, मेरी गलती है, आज के बाद फरियाद नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा, ना माफी मत मांगो, विश्वास रखो मैं जो करूंगा मेरे प्लान के हिसाब से तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जीवन का बोझ अपने माथे पर न रख, मुझ पर रख दे, हल्का महसूस होगा और अब जी बंदास, अर्थात उसी को तो कहते हैं जियो दिल से। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे।